दोस्तों नमस्कार, जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, जय हनुमान जी महाराज, जय गुरु भगवान, जय माता पिता। मैं नीरज मिश्रा आप लोगों के साथ एक शुभ विचार, शुभ संदेश लेके आया हूँ। सभी भारतवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना और कामना करता हूँ कि आप लोगों के जीवन में अच्छी खुशियाँ एवं नव मंगल खुशी के पल और दिन आए। मगर एक प्रथम निवेदन मैं आप लोगों से सभी से करूंगा कि प्रथम उठ के आप सुबह, पहली सुबह आप धरती माता को चरण स्पर्श करके, अपने घर में बैठे भगवान माता पिता को चरण स्पर्श करके और स्नान आदि करके आप उस परम पिता परमात्मा के घर जरूर जाएं। जैसे परम पिता परमात्मा हर जगह है, जैसे ईश्वर जीवन सविनाशी हर जगह परमात्मा का वास है, मगर हर किसी का अपना एक स्थान होता है। जैसे हमारे गृहस्थ के लिए स्थान हमारा घर है, ऐसे परमात्मा का स्थान मंदिर है। तो मैं हर एक भारतवासी, सनातन धर्म हिंदू भाई और बहनों से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपना आज का अच्छा दिन समझकर और ये हैप्पी न्यू ईयर और ये सब नाम मना के एक अच्छा जीवन बनाकर आप परमात्मा के पास जाएं और कम से कम 10 से 15 मिनट आधा घंटा बैठिए, कुछ मत करिए, खाली बैठिए जाके, और परमात्मा आपको स्वीकार करेगा और आपके जीवन में नव नव मंगल खुशियाँ आएंगी। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ और मैं अपने सभी भाइयों से कहूँगा कि सुबह उठकर स्नान करके आप एक लोटा तांबे के पात्र में कुछ अक्षत वगैरह, मिष्ठान, चीनी, शुगर, चीनी वगैरह डाल के सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित जरूर करें। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते आप, कम से कम ये छोटा सा कार्य भी अगर करेंगे, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष देवता हमारे सूर्य नारायण भगवान ही हैं, जो साक्षात उठ के वो हमें दर्शन देते हैं, जो दिखते हैं कि हाँ देवता हैं। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दीजिए और अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा भाव करिए। मात पिता नहीं माने देवा, साधु शंकर बामे सेवा। जो माता पिता को नहीं मानते उनका सम्मान और इज्जत नहीं करते हैं, फिर दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए, कितने यज्ञ कर लीजिए, कितनी पूजा कर लीजिए, वो सफल नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही विनम्र निवेदन पुनः हाथ जोड़कर करूँगा कि 2024 से जो बचा हुआ जीवन परमात्मा ने जितने दिन का दे रखा है, उसको आप लोग अच्छे से जिए, अच्छे से एंजॉय करें, अपने गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छे जिए, सबके साथ मिलजुल कर अपने परिवार, बंधु, भाई बहन, माता पिता, समाज के साथ बड़े आनंद के साथ इस जीवन को जिए, क्योंकि ये 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं जाता यहाँ, एक नेकी के सिवा कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध ले, गांठ में ये बांध ले। और आप लोगों से पुनः विनम्र निवेदन करूंगा कि जैसे खाने के लिए टाइम निकालते हो, सोने के लिए टाइम निकालते हो, खेलने के लिए टाइम निकालते हो, जॉब के लिए टाइम निकालते हो, इसी टाइम के बीच में 10 मिनट उस परमात्मा के लिए जरूर निकालो जिस परमात्मा ने आपको इस मृत्यु लोक में भेजा है कर्तव्य करने के लिए। और जब आप उस परमात्मा की शरण में बैठेंगे तो वो कर्तव्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। इसी के साथ मैं आपको यह सीताराम बोल के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, और अगर आप लोगों को कोई मेरी वाणी से कष्ट पहुँचा हो तो मैं संसार के हर एक उस प्राणी से क्षमा चाहता हूँ। मुझे माफ़ करना कि आपके हृदय को कोई कष्ट ना पहुँचे। मैंने अपना समझकर, अपना जानकर आप लोगों से ये निवेदन किया कि आप लोग सुधरेंगे तो ये भारत सुधरेगा, हमारी संस्कृति सुधरेगी, हमारा देश सुधरेगा। और सुधार हमें हर घर से लाना होगा, हर अपने बच्चों को समझाना होगा, खुद को संभालना होगा, खुद को हमें अपनी संस्कृति की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि जो हमारी संस्कृति लुप्त हो गई थी, चली गई थी, पुनः फिर से वो चीज़ वापस आ रही है। इसलिए मैं सभी संतों के श्री चरणों में अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, उन महानुभावों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस देश में आकर एक नई दिशा, नया रास्ता, नई मंजिल दिखलाई है।
तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उन माओं को जिन्होंने वीर सपूतों को जन्म दिया। मैं उन सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ जो कलाइयों में राखियाँ बांध के और अपने भाइयों का बल बढ़ाती हैं। प्रणाम करता हूँ उन बच्चों को भी जिन बच्चों ने भी अपने घर को खिलौने की तरह सजाया है, और प्रणाम करता हूँ उस जन्म देने वाली माँ को। धन्य है वो माँ जिसने हमें इस मृत्यु लोक में आके जन्म दिया है। जय श्री सीताराम, जय राधेश्याम, जय हनुमान जी भगवान, जय गुरु भगवान, जय माता पिता।